जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस 85। दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरणों में है। धीरेंद्र प्रताप सिंह हमारे स्टूडियो में हैं। धीरेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर से हैं। गोरखपुर में जो अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि पूर्वांचल सेना नामक एक संगठन है, और पूर्वांचल सेना से वर्तमान सरकार मतलब कितना डरती है वह भी सोशल मीडिया से पता चलता है। तो क्या इतिहास रहा है पूर्वांचल सेना, क्यों जरूरत पड़ी पूर्वांचल सेना की? देखिए, हम लोग 2006 में बनाए थे पूर्वांचल सेना संगठन, और हम लोग पूर्वांचल की जो उपेक्षा उसको लेकर के स्ट्रगल कर रहे थे। चाहे पूर्वांचल में जो भाषा बोली जाती है उसकी उपेक्षा हो, जो पूर्वांचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हो उसकी बात हो, या जो इंसेफ्लाइटिस से वहाँ बच्चे मर रहे हैं, बाढ़ हर साल आ रहा है, हमको डुबो रहा है, बिजली का संकट है, मजदूर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ काम नहीं है, मजदूरी के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सऊदी अरब जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग स्ट्रगल करते रहे हैं, और इन सब के बाद जब हमने अपना स्ट्रगल आगे बढ़ा तो हमको ये समझ में आया कि भाई, जब तक छोटा राज्य नहीं बनेगा तब तक इसका गवर्नेंस सही नहीं हो पाएगा। शासनिक और प्रशासनिक संचालन ठीक हो इसके लिए छोटा राज्य होना जरूरी है, और छोटा राज्य होगा तभी एक मुख्यमंत्री उसको ढंग से गवर्न कर सकता है। अभी वर्तमान समय उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। दूसरा जो एक इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि जो हमारा पूर्वांचल है ये तथागत बुद्ध की जन्मभूमि है, और जो बिहार है वो बुद्ध की कर्मभूमि है। तो आप पूरे भारत में उठा करके देखिएगा, कहीं पर भी दुनिया कोने में, देश के कोने में चले जाइए, तो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर वहाँ पर रिक्शा ठेला चलाते हुए, सब्जी बेचते हुए, अखबार बेचते हुए, सड़क साफ करते हुए, मजदूरी की पेंट पॉलिश करते हुए मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने मतलब एक सीरियल से उठा करके देखा, पिछले जितने भी बदलाव हुए हैं उसमें यूपी और बिहार हमेशा पिछड़ते रहा, यूपी का ये पूर्वी हिस्सा और बिहार। इसके पीछे कारण ये है, 2500 साल पहले जो क्रांति तथागत बुद्ध ने की थी वो यहाँ से शुरू की थी, और इसको निशाना बनाया गया था मनुवादियों के द्वारा, और वो उसी निशाना बनाए जाने के तहत इस पूरे क्षेत्र को पिछड़ा रखा गया है। ये क्षेत्र हमेशा से लड़ता रहा इसके लिए, मतलब इसके बारे में देखिए, हम लोग कहाँ से, जैसे कुशीनगर हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, लेकिन अभी वो रेल सेवा से नहीं जोड़ा गया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय स्थल रेल सेवा से नहीं जोड़ा गया है, ये उपेक्षा क्यों? वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक क्यों नहीं बन पाया, जबकि तमाम विदेशी जो बौद्धिस्ट कंट्रियाँ हैं वो फंड देने के लिए तैयार हैं, पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैत्रेय प्रोजेक्ट जैसी परियोजना आती है जिसमें मतलब दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पर्यटक परियोजना, $250 बिलियन की सबसे बड़ी पर्यटक परियोजना, वो यहाँ से लौटा दी जाती है। तो हम लोग जब सोचने लगे कि ये इसकी उपेक्षा क्यों हो रही, तो उसके जड़ में यही बात निकल के सामने आई कि जो बुद्ध है उनका इतिहास, भूगोल सब खत्म करना है, और ये जो बुद्ध का क्षेत्र ना, इसमें एकदम से मनुवाद को घुसेड़ देना, कहीं से उसका डेवलपमेंट नहीं होना। जितने ज़्यादा लोग शिक्षित रहेंगे उतने ज़्यादा लोग धर्म भीरू रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, और ये ना तो बुद्ध की बात हो पाएगी ना अम्बेडकर की बात हो पाएगी। तो हम लोगों ने उसी कमजोरी को पकड़ा, और हम लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र का नाम बुद्धालैंड, बुद्ध प्रदेश होना चाहिए। तब से हम लोग बुद्धालैंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी वहाँ जैसे कि कुशीनगर की बात आई, तो वहाँ पर मतलब बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल हैं और मोनेस्ट्री हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो जो वर्तमान सरकार है क्या मतलब कितना उनका ध्यान रखती है, कितनी वहाँ पर योजनाएं और कितना उनके लिए पैसा मतलब सरकार सेंक्शन कराती है? देखिए, बुद्ध जिस चीज़ को नकारते रहे हैं ये सरकार वही करती चली आ रही है। ये जबरदस्ती बुद्ध को उनका जो है 8वां 9वां 12वां अवतार बताने पर तुली हुई है, यही चक्कर है उनका। इन्होंने नकली बौद्धिस्ट भी खड़ा रख कर रखे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तमाम खबरें आ रही हैं तमाम तरह की। तो ऐसा कोई मंशा नहीं है। अगर उनको वाकई में बुद्ध सर्किट डेवलप करना है तो पहले ये जो बुद्ध के इतिहास से आदर्शित ये क्षेत्र है, इसका बुद्ध के नाम पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, पहली बात यह है। दूसरा ये है कि जितने बौद्ध परिपथ हैं सबको रेल सेवा और सड़क मार्ग से जोड़ दें। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हमारा आ रहा है नेपाल में, उसके साथ छिनेती हो जा रही है, बस की सुविधा नहीं है उसको सोनौली से गोरखपुर आने के लिए ढंग से, कहाँ लूट हो जाए उसके साथ। मतलब जो टूरिस्ट आ रहा है बुद्ध का दर्शन करने के लिए उसको आप सहूलियत नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कुशीनगर को क्या डेवलप करेंगे? तो बुद्धालैंड की अभी मांग कहाँ तक पहुँची है? देखिए, बुद्धालैंड की मांग हमारी चल रही है, जैसा कि बहन जी की जब सरकार थी उन्होंने 2011 में अपने मंत्रिमंडल से पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, और उसके बाद से वो सत्ता से बाहर हो गई, सपा समाजवादी पार्टी की सरकार है, हम लोग मांग करते रहे। अभी केंद्र में बात आ रही है कि केंद्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम ले आए और राज्यों का, नए राज्यों का गठन करें।
तो हम जो बुद्धालैंड आंदोलनकारी हैं, जो पूर्वांचल सेना है, ये सब लोग चाहते हैं कि जो गठबंधन की सरकार है, बहन जी आएँ, प्रधानमंत्री बने और वो बुद्धालैंड राज्य के लिए केंद्र से जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करें और राज्य का निर्माण करें। गोरखपुर में जो पूर्वांचल संगठन है और आप बुद्धालैंड की मांग कर रहे हैं, तो समय समय पर जैसे मुख्यमंत्री आते हैं गोरखपुर में, तो कई सारे लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, जिसमें FIR भी दर्ज हो जाती है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे, जिसमें कई बार आपका भी नाम है? देखिए, जब मुख्यमंत्री बने थे शुरू में योगी जी, तो जब भी वो शहर में आते थे तो हम लोगों की गिरफ्तारी हो जाती थी। लेकिन जब मीडिया में बहुत बातें प्रचारित होने लगीं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा इधर कमी आया है, लेकिन तरीका बदल गया है। अभी भी मेरे ऊपर एक वारंट है, इस समय मैं यहाँ पर हूँ, अभी भी गोरखपुर में मेरे खिलाफ़ एक वारंट है। 12 तारीख को मैंने अभी एक मामले में जमानत कराया, ये चुनाव की तरफ से जो आता है कि हम लोग दंगा ये दंगा कर सकते हैं, फिर एक पता नहीं कौन सा वारंट आ गया है, तो ऐसे चलता रहता है। और ये सरकार ऐसे लोगों से डरती है, रोहित वेमुला से डर गई है सरकार सच्ची। तो हम लोग तो सड़क पर उतर करके लड़ने के लिए तैयार हैं। 2 अप्रैल के भारत बंदी में भी हम पर हमला हुआ था, ये जो आप ये चोट का निशान देख रहे थे, पुलिस द्वारा हमला कराया था, जान लेने की कोशिश की गई थी हमारी। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हम लोगों ने भी ठान रखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जी। तो आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, 2019 का चुनाव है, आपको सोच समझ करके वोटिंग करनी होगी, क्योंकि अभी लोकतंत्र नहीं बचेगा। जो हमारा तंत्र जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ते हैं, जो लड़ने का अधिकार है, वही ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 2019 के चुनाव में सोच समझ करके वोटिंग करिए, सरकार के जितने भी वादे थे उनको देखिए उन्होंने पूरा किया है कि नहीं किया है, और चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, और इसके साथ साथ अपनी सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करिए। 1 घंटे 2 घंटे के लिए ही अपने कीमती समय में से समय निकाल करके समाज को, सोसाइटी को दीजिए, क्योंकि हमारे समाज की जो जिम्मेदारी है वो अनैतिक लोगों के हाथों में चली गई है। लोगों के पास नेताओं की कमी हो गई है। जब तक हम लोग निकल करके नहीं आएंगे, समाज में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। धन्यवाद, आप Voice 85 के स्टूडियो में पधारे। जी, आपको भी धन्यवाद, हमको गोरखपुर से आए, आपने हमको बोलने का मौका दिया, अपनी बातें कहने का मौका दिया। हमारे साथ थे गोरखपुर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिनकी जवानी से आपने पूरा जो वाक्या गोरखपुर का सुना, और गोरखपुर में किस तरह लोकसभा चुनाव, उसके बाद में पूर्वांचल सेना, बुद्धालैंड की मांग जिन्होंने उस तरह रखी, और भी काफ़ी सारे संघर्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह और उनकी टीम पूर्वांचल सेना ने किए हैं, और भी हम इस तरह आपको आगे दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, जय भीम। आप सबसे अनुरोध है कि Voice 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए आप हमारे voice85.contact@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। जय भीम।